हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा फाइल जियो डेटाबेस किस तरीके से बनाते हैं। हम सबसे पहले आर कैटलॉग को ओपन करते हैं। आर कैटलॉग ओपन होने के बाद जिस भी पर्टिकुलर हमें फाइल पे बनाना होता है उस पे जाते हैं। उस पे जाने के बाद राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद फाइल जियो डेटाबेस में जाते हैं। फाइल जियो डेटाबेस में जाने के बाद डबल क्लिक करते हैं। इस पे जाने के बाद अंदर फिर राइट क्लिक करते हैं, फीचर डेटा सेट बनाते हैं। फीचर डेटा सेट में हमने नेम लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से प्रोजेक्शन, जो भी हमारा प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ये हमारा फिनिश हो गया। अब ये हमारे राम नाम की फाइल जियो डेटाबेस बन गया है। अब इस पे हमारे पास जो भी डेटा है सेव फाइल में, उस सेव फाइल को यहाँ अपलोड कर देंगे। इस राम में डबल क्लिक किया, ओपन हो गया। इसके बाद इम्पोर्ट पे गए। इम्पोर्ट में अगर हमें सिंगल लेयर करनी है तो सिंगल फीचर क्लास लेंगे, अगर मल्टीपल करनी है तो हमें फीचर क्लास मल्टीपल लेना पड़ेगा। हम अभी मल्टीपल लेते हैं। यहाँ से हम जिस भी जगह हमारी सेव फाइल रखी हुई है उन सभी सेव फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जैसे हमें ऐड करना है उन्हें हमने ऐड कर लिया। ये हमारी ऐड हो गई, ओके कर देंगे। हमारा अभी ये डेटा कंप्लीट हो रहा है। प्रोसेस चल रही है। ये देखिए फीचर क्लास टू जियो डेटाबेस मल्टीपल कंप्लीट हो गया। ये हमारी तीनों फाइल आ गई, बिल्डिंग, लैंडमार्क, रोड। ये हमारी फाइल जियो डेटाबेस आ गई। अब फाइल जियो डेटाबेस का यूज क्या है? फाइल जियो डेटाबेस का यूज है हम न्यू में जाके यहाँ से टोपोलॉजी बना सकते हैं, जियोमेट्रिक नेटवर्क बना सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे आप शेयर करिएगा। थैंक यू।